मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज है बृहस्पतिवार, सावन का बृहस्पतिवार है। मेरा बच्चों का नाश्ता निबड़ गया है, मतलब मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच पैक करके दे दिया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड अभी नहाए नहीं हैं, और मैंने सब्जी बना दी थी भिंडी की, तो सब्जी रखी हुई है। अब हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए नाश्ता लगा दूंगी। मैं नहा करके आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। और आज बृहस्पतिवार है, सावन का बृहस्पतिवार है, तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि बृहस्पतिवार के व्रत रखने की, लेकिन नहीं रखे जा रहे थे। फाइनली आज मैंने मूड बना लिया और मैंने आज रखा है बृहस्पतिवार का व्रत। और क्योंकि केले का पेड़ नहीं था घर में और बहुत टाइम से मंगा भी रही थी लेकिन नहीं आया। फिर मैंने पूछा एक है, तो उन्होंने बोला कि घर में नहीं तो मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हो, तो मैंने फिर रख ही लिया। क्योंकि फिर सावन का महीने में अच्छा रहता है ना व्रत रखना, तो मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया। बहुत कई सालों से सोच रही थी लेकिन नहीं रखे जा रहे थे, तो मैं कैसे रख रही हूँ आज व्रत। और किस और मैंने जो है येलो कलर का सूट तो मेरे पास कई सारे थे लेकिन वो ना हैंड वॉशेबल थे, तो वो बस धुलने को पड़े थे, तो मैंने ये वाला सूट डाल लिया है। और ये है पीला दुपट्टा, पूजा करने के टाइम पर मैं ये पीला दुपट्टा डाल लूँगी। जब कथा पढ़ते हैं तो पीला दुपट्टा या सूट होना चाहिए। तो अब मैं बस घर में पूजा करके कथा पढ़कर पढ़ लूँगी पहले बृहस्पतिवार की, और फिर उसके बाद जाऊँगी मंदिर में जल चढ़ाने। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी गर्मी बहुत है। अब बाहर का मौसम मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कैसा हो रहा है। तो चलिए मैं घर में पूजा कर लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पूजा कर ली है। मैंने ये चौकी लगा ली थी और इस पर ना पीला कपड़ा बिछा लिया था, और ये हरि विष्णु भगवान की प्रतिमा और गणेश जी को विराजमान करके यहाँ मैंने कथा पढ़ ली है। और ये मैं पूजा की थाली लगा ली है, और यहाँ चने की दाल से पूजन होता है, तो ये चने की दाल में केले में चढ़ाई जाती है। और यहाँ मैंने फल रख लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ मंदिर जल चढ़ाने। तो घर में पूजा हो गई है, कथा पढ़ ली मैंने, अब वहाँ पर जाकर मैं जल चढ़ा दूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे आकर के। तो गाइस, मैं आ गई हूँ मंदिर से, और मंदिर की कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बारिश भी हो रही थी। और वैसे तो सुबह के टाइम में तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती कि वीडियो बनाई जाए, तो बस मैंने अब बच्चे चले गए हैं, उन्हें लंच दे दिया है। अब हस्बैंड भी नहा करके आ गए हैं, तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। और यह बनाई है मैंने, बहुत ही टेस्टी लगती है ये भिंडी की सब्ज़ी। और मैंने बिना प्याज की भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। तो कढ़ाई मैंने दूसरी यूज कर रखी है, वैसे तो मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, पर लोहे की कढ़ाई में भी काफ़ी देर तक पड़ी रहती है तो कालापन आ जाता है, तो वो अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने बच्चों को इसलिए इसमें बना करके दी है। देखिए मैं अपनी चाय पी रही हूँ और खाली चाय पीऊँगी, नाश्ते का भी बिल्कुल मन नहीं है। तो चलिए फिर आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए मेरे साथ, तो फिर मिलती हूँ बाद में आपसे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अब हो रही है शाम, तो शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो दोपहर की मैंने कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाई थी, और क्योंकि व्रत वाले दिन थकान भी हो जाती है, बस मैंने जल्दी से थोड़ा बहुत खाना बना दिया था। व्रत में मैंने कुछ भी नहीं लिया था, बस मॉर्निंग में पूजा करने के बाद चाय ले ली थी, और शाम को थोड़ी देर पहले 5 बजे के करीब चाय ले ली थी, और कुछ खाया नहीं था। और बृहस्पतिवार के व्रत में वैसे पीला फल पीली चीज़ें ही खाई जाती हैं, पूरे दिन में तो कुछ नहीं खाया जाता, अन्न नहीं लिया जाता, अन्न एक टाइम ही लिया जाता है। तो अब शाम का टाइम है तो मैं यहाँ पर बना कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो किचन वगैरह मेरी क्लीन हो गई है, और यहाँ देखिए मैंने आटा लगा के रख दिया। अब मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, बेसन का, वैसे बेसन का बना सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ही खाया जाता है मीठा, तो मैंने यहाँ आटा ही गूंथ दिया है। और आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला दी थी, तो बस थोड़ा सा दो पराठे बना लूँगी मीठे। तो बस अब मैं पूजा करने जाऊँगी शाम को, बस पहले भोग का खाना बना देती हूँ पराठे। हमें भी वैसे ही होता है, केले के नीचे दिया जला दिया जाता है, और अगर घर में तो होता नहीं है कि अकेला, मंदिर में अगर जा सकते हैं तो केले के पास दिया जला सकते हैं, और नहीं तो घर में ही पूजा करके कथा पढ़ के पूजा कर लें और उसके बाद व्रत खोल लेते हैं। तो ये था मेरा व्रत का रूटीन। आज मैंने फर्स्ट टाइम व्रत रखा है, फर्स्ट टाइम तो नहीं रखा, मतलब इस सावन में बहुत साल बाद फर्स्ट व्रत है ये मेरा। तो बस इस तरह से मैं अपना व्रत का शुरू कर दिया है मैंने आज से। और यहाँ पर बच्चे शाम के टाइम इनका ट्यूशन का है, तो सर आ गए हैं पढ़ाने के लिए, तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं।
मैं बनाए हैं चीन के पराठे और थोड़ी सी चाय ले ली है मैंने। और बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं बहुत तेज़ नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मीठे पराठे बनाए चीनी वाले और देखती हूँ मैं दही से खाने को, गला ख़राब हो रहा है इस वजह से मैं दही से नहीं खाऊंगी और बस मैं चाय के साथ ही ले लूँगी। इसके बाद अभी तो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही खाएंगे ये खाना, तो मैं बाद में ही बनाऊँगी। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए इतना सारा सामान लेकर के बैठ गई है बेटी, और इनको स्कूल से मिला हुआ है राखी मेकिंग का काम, तो राखी बनाएंगे तो ये सारा सामान लेकर के आए हैं ये बच्चे। तो स्टोन ये हैं इस तरह के, एक ये पिंक कलर के, और ये टेप है, ये रिबन है, और सीज़र भी लेकर के आए हैं। कल भी एक सीज़र लेके आए थे और आज भी, क्योंकि दोनों को अलग अलग सीज़र चाहिए होती हैं, तो दो सीज़र लेकर के आए हैं। रेशम का धागा है, फेविकोल है, तो ये सारा सामान लेकर के आए हैं। और बेटी कर रही है राखी मेकिंग, तो अब मुझे भी इसके साथ बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये बच्ची है, ये एकदम से अपने आप नहीं कर पाएगी, तो मैं बताती रहूँगी साथ में बैठ करके कि कैसे बनाना है। तो चलिए जब ये बनाएंगे ना तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से बनाई है। तो अभी बेटी बना रही है, ये शीट ले ली, पेपर शीट ले ली और इसने इसको डेकोरेट कर लिया है। और मैं कह रही थी इससे कि प्लेन वाली शीट ले ले, तो ये प्लेन वाली शीट नहीं ली इसने और वो वाली लाइनिंग वाली शीट ली है। तो ये पेपर शीट बहुत हल्का है, इसका पेपर बहुत हल्का है ना, तो इसलिए नहीं ली कि मुड़ रहा है बार बार। और वो थोड़ा सा हार्ड पेपर है, देखिए बिल्कुल भी नहीं मुड़ रहा, तो देखिए कितना अच्छा है, टाइट है, इस वजह से इस पर बनाना चाह रही है। तो फिर मैंने कहा चल तेरी जैसी मर्जी वैसे कर ले बेटे, कोई बात नहीं, याला करूं या फिर याला, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो वो कर लो। पेपर उड़ गया पीछे, पेपर उड़ गया पैरों में आ जाएगा, उठाओ उठा लो, बताओ अपनी इच्छा अनुसार कर लो, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो। अरे मुझे तो दोनों में अच्छे लग रहे हैं, पर बताओ ना इसके साथ ओनली पिंक करूं या फिर कलर, कहां पे क्या करना है पिंक? अब यहां पर लाइन कर ले, पिंक कर ले फिर। और अब देखिए बेटी ने ये इस तरह से बना लिया है, ये टेप चिपका लिया है और इस तरह से प्लेन कागज पर, इस वाले पेपर पे लग तो पेपर तो अच्छा था बट ये ना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब शो नहीं आ रही थी ज़्यादा, तो फिर मैंने इससे बोला कि प्लेन पेपर पे बनाओ, तो प्लेन पेपर पे लगाया है। फिर इसने देखो तो इतना डेकोरेशन कर लिया है अभी, और अब बना रही है राखी, तो ये कट कर रही है इसको पेपर को। फर्स्ट शीट मैं इस वजह से डेकोरेट कर रही हूँ क्योंकि हमारी मैम ने कहा है कि इसके ऊपर पेस्ट करकर हमें अपनी राखी देनी है। और यहाँ पर दोनों बच्चे कुछ इस तरह से राखी बनाएंगे और स्कूल में डेकोरेट कर लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कैसी लग रही है आपको राखी मेकिंग, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।